हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं फिर से आ गई राधा और कृष्ण जी के एक नई पेंटिंग के साथ। मैंने इस पेंटिंग के पहले और एक भी राधा और कृष्ण जी का पेंटिंग किया था, तो आप सभी लोग वो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर मैंने पेंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर 3 स्टेप पे पेंटिंग को क्रिएट किया है। पहले एक बेस लेयर अप्लाई करूँगी जो है वाटर कलर के साथ, और सेकेंड लेयर जो अप्लाई होंगे वो मैं पेस्टल के साथ, और जो थर्ड है जो है फिनिशिंग टच वो मैं थोड़ा सा डार्क और लाइट के साथ यहाँ पर अप्लाई करूँगी। वो भी मैं पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकती हूँ और पेस्टल भी यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर राधा जी की फेस के साथ मैंने पेंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। मैंने एक पतला लेयर वाटर कलर का सिर्फ किया है। यहाँ पर कोई भी लाइट एंड शैडो को मैंने नहीं पकड़ा है। तो यहाँ पर मैंने फेस और स्किन के लिए मैंने येलो कलर के साथ ऑरेंज मिलाकर कलर को अप्लाई कर दिया है, और जो गहना है उसके लिए मैंने यहाँ पर गैम्ब्रोज येलो का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ जो जो कलर मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कलर को फिल कर दिया है। तो चलो, राधा जी का तो बेस लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब आती है कृष्ण जी का। यहाँ पर मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ग्रीन भी ऐड कर सकते हो। और कलर अप्लाई होने के बाद मैंने यहाँ पर वाटर के साथ ब्लेंडिंग करना चालू कर दिया है। मैंने इस वाले पेंटिंग को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले वाले पार्ट में मैंने राधा और कृष्ण जी का फेस की डिटेलिंग करूँगी, और दूसरे वाले पार्ट में मैं राधा और कृष्ण जी का क्लोथ, ज्वेलरी और बैकग्राउंड को कलर करूँगी। तो चलो, तुम लोग तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर बेस लेयर को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब बारी आती है मिडिल टोन की। यहाँ पर मिडिल टोन के लिए मैंने यहाँ पर पोलो का पेस्टल कलर को यूज़ किया है। तो वाटर कलर बेस के ऊपर मैं यहाँ पर पेस्टल कलर को यूज़ करूँगी। जहाँ पर जो जो कलर है उसके अकॉर्डिंग मैं कलर कर रही। चलो, तो मैं राधा जी की फेस के साथ ये कलर करना स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ पर जो जो कलर है उसको क्रिएट करने के बाद मैं वाइट कलर से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने कलर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर व्हाइट कलर से कैसे राउंड सर्कुलर मोशन से कलर को ब्लेंड किया है। तो चलो, अब बारी आती है राधा जी की फेस की डिटेलिंग और फिनिशिंग करने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रूस्टो का जो वाटर कलर पेंसिल है उसको यूज़ किया है। इस पेंसिल की मदद से मैंने यहाँ पर राधा जी की फेस पे जहाँ जहाँ छोटे छोटे पार्ट है उसकी फिनिशिंग किया है।
तो चलो, मैंने यहाँ पर राधा जी की फेस तो कंप्लीट कर दिया है, अब बारी आती है कृष्ण जी के फेस के लिए। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से जो जो डार्क एरिया है और शैडो है उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर को अप्लाई किया है। और यहाँ पर कृष्ण जी के फेस के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से शेडिंग भी किया है, इससे डार्क और भी अच्छे से आती है। तो यहाँ पर मैंने कलर को अप्लाई करने के बाद फिर से वाइट कलर की मदद से यहाँ पर जो जो पोर्शन है उसको ब्लेंड कर दिया है, और वो ब्रश को वाटर कलर जो पेंसिल है उसकी मदद से मैंने थोड़ी थोड़ी जो डिटेलिंग है आँख नाक और थोट पर जो डिटेलिंग है उसको मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने राधा और कृष्ण जी का तिलक के लिए व्हाइट कलर का एक्रेलिक पेंट को यूज़ किया है। तो चलो, अब बारी आती है राधा और कृष्ण जी के बालों पे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ब्राउन कलर वाटर कलर को अप्लाई करके रखा था, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से जो पेस्टल कलर है उसको मैंने अप्लाई कर दिया। और डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन कलर की जो पेंसिल है उसकी मदद से डिटेलिंग है वो मैं कर रही हूँ। तो चलो, राधा और कृष्ण जी का तो फेस कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आती है हैंड की। तो मैंने सेम टेक्निक अप्लाई करके हैंड को भी किया है। मैंने इस वाले वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से राधा और कृष्ण जी को कैसे पेंट कर सकते हैं वो मैंने दिखाया है। आई होप बिगिनर जो है तो उन लोगों को लिए हेल्प होगा। तो मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं पार्ट 2 में। तो चलो, चलती हूँ, तब तक के लिए बाय।